हेलो स्टूडेंट्स, तुहाडा सारिआं दा स्वागत है सतगुरु क्लास दी ऑनलाइन क्लास दे विच। इस क्लास दे विच आपां कैलेंडर रीजनिंग दा जो चैप्टर कर रहे सी, रीजनिंग बेस ते जो आपां चैप्टर कर रहे सी कैलेंडर, उहदा अज आपां सैकेंड पार्ट इस वीडियो दे विच देखांगे। जिन्ना स्टूडेंट्स ने कैलेंडर दी वीडियो फस्ट लैक्चर नहीं देखिया वो पहला जाके फस्ट लैक्चर देख लैन, उस तो बाद ही आप सैकेंड लैक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो सारी फस्ट लैक्चर के पई है। तो जिन्ना स्टूडेंट्स ने पहला फस्ट लैक्चर नहीं देखा वो जाके पहला फस्ट लैक्चर जरूर देख लैन, ता ही जिहड़ा सैकेंड जिहड़ा पार्ट है वह तुहानू समझ आएगा। हाँ जी, तो आप स्टार्ट करते हैं। इहदे विच फस्ट क्वेश्चन पहला देखो तुसीं, फस्ट टाइप एक्चुअली जिहड़ी ये जिहड़ा लैक्चर है इहदे विच आपां क्वेश्चनस दे राही जिहड़ा कैलेंडर दे जिहड़ा सैकेंड पार्ट वो कंप्लीट करांगे, मतलब जो वेरियस टाइप्स अपने पंजाब गवर्नमेंट जां एसएससी दे विच पेपर दे विच पुछियां जांदियां टाइप्स वो सारियां आपां इस लैक्चर दे विच देखांगे। तां इहदे विच फस्ट टाइप अपने कोल कहिंदा विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज 2021, मतलब 2021 का जिहड़ा कैलेंडर चल रहा है वह बिल्कुल सेम कैलेंडर किहड़े साल दे विच होएगा। 2021 का कैलेंडर का मतलब की होया कि मान लो 1 जनवरी जो भी दिन सी 2021 दे, सुपोज इट वॉज मंडे, मान लो यह मंडे सी, तो वह पुछ की रहा 1 जनवरी 2021 जेकर मंडे सी इहदा मतलब 2 जनवरी ट्यूजडे होएगा। इस तरह जेड़े भी डेज होंगे हर एक डे दा, मतलब 1 जनवरी तो 31 दिसंबर तक जिन्ने भी दिन आने एज इट इज़ उही सारे दिन केड़े साल दे विच ये रिपीट होंगे। तो आप अपने कोल क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो हुण आप देखते हैं भी इस क्वेश्चन करना किवें है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन करने के लिए तुसी की करना है, इत्थे तुहानू ओड डेज़ वाला कंसैप्ट पता होना चाहिए। अगर ओड डेज़ वाला कंसैप्ट तुहानू नहीं क्लीयर तो फस्ट वीडियो दे विच तुसी जाके देख सकते हो। तो हुण ओड डेज़ का कंसैप्ट की है, 2021 अपने कोल की एक नॉर्मल ईयर है। अगर 2021 एक नॉर्मल ईयर है तो इहदे विच ओड डेज़ किन्ने होणगे, 1। इस तरह आपां नैक्सट नैक्सट काउंट करी जाने हैं जिथे अपने कोल 7 का मल्टीपल्स बन जाए, इन्हों ओ डेज का प्लस करके 7 या 7 का मल्टीपल्स आ जाए तो उस तो जो नैक्सट ईयर होएगा उनका जो कैलेंडर सेम होएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन दे विच, जिमें 2021 ओ डेज़ किन्ने सी, 1। 2022 ये भी नॉर्मल ईयर है, मतलब लीप ईयर नहीं हैगा, तो इन ओ डेज़ किन्ने हो गए, 1। नैक्सट ईयर अपने कोल 2023 तो इन ओ डेज़ किन्ने हो गए, 1। 2024 इन्दे विच ओ डेज़ किन्ने होणगे, हुण इह अपने कोल किहड़ा ईयर आ गया 2024, इहनूं आपां लीप ईयर कहिंदे आ, 4 दे टेबल ते डिवाइड हो रहा, इहदा मतलब इहदे विच ओ डेज़ किन्ने होणगे, 2। नैक्सट ईयर अपने कोल 2025 आएगा, 2025 दे विच ओ डेज़ किन्ने होणगे, 1। तुसीं हुण देखो अपने कोल जिहड़ा ओ डेज़ आ रहा इहनां दा अगर आपां सम करिए किन्ना होया, 1 + 1 = 2, 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6। इत्थे अपने कोल मल्टीपल 7 या 7 तो प्लस बनना चाहिए होंदा। अगर मैं 2026 साल नूं भी काउंट करूँगा तो इहदे विच ओ डेज़ किन्ने होणगे, 1। इत्थे आके अपने कोल सारयां दा टोटल किन्ना बन रहा है, 7, मतलब 7 दा मल्टीपल आ गया। हुण तुसीं आपां की काउंट कीता सी, 2021 दा आपां चैक करना सी सेम कैलेंडर किहड़े साल दे नाल होऊगा, तां जिहड़ा जिथे अपने कोल मल्टीपल 7 दा बन जावे जां 7 तों 7 जां 7 दा मल्टीपल बन जावे तां उस तों नैक्सट ईयर किहड़ा होएगा, उहदा कैलेंडर अपने ईयर दे सेम होएगा, मतलब 2027 दा जिहड़ा कैलेंडर होगा वह 2021 के कैलेंडर दे बिल्कुल सेम होगा। तो आ वाला इनका मैथड है जी। आई होप तुहानू सारयां नू क्लीयर हो गया होना है। हाँ जी, तो आप चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के उपर। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन ये भी उस नाल दा ही है क्वेश्चन, बट थोड़ा जिहा इहदे विच वेरिएशन है। तुसीं अगर तुहानू आंसर पता है तो तुसीं वीडियो नू पोज करके आपका आंसर एक बार गैस कर लो, कमेंट सैक्शन दे विच मैंशन कर दो, ठीक है जी। तो हुण देखते हैं आपां इस क्वेश्चन का आंसर की आएगा। हुण आपां सेम कैलेंडर दसना सी
2020। मैं तुहानू इत्थे एक कंसैप्ट भी क्लीयर करूँगा, तुहानू होर इत्थे क्लीयर हो जूगा। जदों तुसीं ओल्ड डेज़ फाइंड आउट कर रहे हो 2020 तों, तां इत्थे अपने कोल जदों 2020 दा जिहड़ा कैलेंडर है ओह नैक्सट ईयर किहड़ा होएगा जिंदे नाल इह कोरसपोंडिंग बिल्कुल सेम होगा। देखो आपां इत्थे चैक की करना है, 2020 जिहड़ा हैगा ओह अपने कोल किहड़ा ईयर है। 2020 एक लीप ईयर है। अगर एक ये लीप ईयर है, इंदा मतलब जेड़ा इंदा कैलेंडर होगा, जेड़ा इंदे डेज होंगे ओह लीप ईयर दे नाल ही मैच करनगे, ये तो सारे नू क्लीयर होगा। जे इंदे विच 366 दिन है, इंदा मतलब ये 366 दिनां दे नाल ही जाके मैच होगा, मतलब एक लीप ईयर दे नाल ही जाके मैच होगा। हुण जेड़ा 2020 है लीप ईयर है, जदों भी अपने को लीप ईयर आ जांदा है तां ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ 28 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 28 ਸਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 28 ਸਾਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ तो अपना आंसर की आ रहा है 2048 2048। ठीक है जी, तो इन दोनों के कैलेंडर बिल्कुल सेम मैच करेंगे। ठीक है जी, नैक्सट चलते आप अगली टाइप के। हाँ जी, विच डे कैन नोट बी द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी का बिल्कुल लास्ट डे कि नहीं हो सकता, इतने आप दसना है। ये जड़ा क्वेश्चन का आंसर उही स्टूडेंट कर सकता है जिन्होंने पुराने जड़े पिछला जड़ा लैक्चर है वह चंगी तरह सुनया, कंसैप्ट सारियां नू जिन्हां नू क्लीयर है। देखो लास्ट वीडियो दे विच मैं तुहानू दस्या सी कि जो अपने कोल फस्ट सेंचुरी खत्म हो रही है तो उन्दे विच ओल्ड डेज किन्ने होणगे 5। अगर सैकेंड सेंचुरी की गल की जाए तो ओल्ड डेज किन्ने आ रहे सी 3। अगर थर्ड सेंचुरी की गल की जाए तो ओल्ड डे किन्ने आणगे 1। एंड सिमिलरली फोर्थ सेंचुरी जिहड़ी होगी ओल्ड डेज किन्ने आणगे 0। ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹਰ 4 ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਓਲਡ ਡੇ 5 ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਡੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸੰਡੇ। 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੰਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਨ। ਮੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਡੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਥਰਡ ਡੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੈਡਨਸਡੇ, ਤਾਂ ਵੈਡਨਸਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਚੀ, ਥਰਸਡੇ। ਤਾਂ ਥਰਸਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੰਡੇ ਸੀ, 1 ਜਨਵਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਡੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੰਡੇ। 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਡੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੰਡੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਡੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਡੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਡੇਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 14 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, 0। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 0 ਬਚਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਡੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ।
एक जनवरी नूं दिन किहड़ा सी अपने कोल मंडे तो मंडे हुण नैक्सट मंडे कदों आएगा इहदे विच आपां 7 डेज़ प्लस कर देंगे तो नैक्सट मंडे आ जाएगा इहदा मतलब 8 जनवरी नूं अगेन की होएगा मंडे होएगा ये कंसैप्ट आपां नूं क्लीयर है 8 जनवरी नूं किहड़ा डे होएगा मंडे होएगा अगर आपां नैक्सट मंडे देखना होवे तां कदों आएगा 7 डेज़ फिर इहदे विच ऐड करने पैणगे इहदा मतलब 15 जनवरी 2021 नूं दिन किहड़ा आ जाएगा अगेन मंडे आ जाएगा तो आई होप सो तुहानूं इह कंसैप्ट क्लीयर हो गया होणा तां इहदा आंसर की होएगा अपने कोल इस क्वेश्चन दा 1 जनवरी 2021 नूं अगर मंडे सी तां 15 जनवरी 2021 नूं दिन किहड़ा अगेन किहड़ा होएगा मंडे इत्थे अगर क्वेश्चन यही पूछा जांदा कि 1 जनवरी 2021 नूं दिन अगर मंडे है सुपोज 1 जनवरी 2021 नूं अगर दिन मंडे है तो 16 तरीक नूं दसो तुसीं 16 जनवरी नूं दिन किहड़ा होएगा 2021 नूं दिन किहड़ा होएगा हुण अपने कोल आपां नूं इस चीज़ का पता चल गया कि 15 जनवरी नूं दिन किहड़ा आ रहा मंडे आ रहा तो उस तो नैक्सट डे किहड़ा होएगा ट्यूजडे होएगा ठीक है जी इहनूं इस तरीके नाल भी आपां सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे हां आपां कहिंदा अगर 10 जनवरी नूं वेडनसडे है हुण टाइप सेम है जस्ट अपने कोल मंथ चेंज हो गया 10 जनवरी 2021 नूं वेडनसडे है तां 15 फरवरी 2021 नूं दिन दसना अपने कोल किहड़ा आएगा हुण इसे क्वेश्चन नूं आपां नंबर ऑफ डेज़ दे नाल भी फाइंड आउट कर सकते हैं तां किवें फाइंड आउट होएगा 10 जनवरी नूं आपां 10 जनवरी तो 15 फरवरी तक अपन डेज़ फाइंड आउट कर लैने इन्हां दे विचकार किन्ने डेज़ होणगे हाँ जी डेज़ दसो तुसीं नाल नाल काउंट करदे जाओ 10 तरीक नूं काउंट नहीं करना आपां 10 जनवरी नूं काउंट नहीं करना बाकी दे दिन किन्ने रह गए जनवरी दे महीने दे विच 21 दिन रह गए इस तरह फरवरी दे किन्ने आ गए अपने कोल 15 दिन आ गए अपने कोल इट मीनस टोटल डेज़ किन्ने आ गए इन्हां दोनों दे विचकार 36 डेज़ आ गए हुण 36 डेज़ नूं आपां किन दे नाल डिवाइड करना है 7 दे नाल डिवाइड करना है रिमाइंडर अपने कोल किन्ना आएगा इत्थे तां रिमाइंडर अपने कोल किन्ना आ गया 1 इस 1 दा मतलब इत्थे की है कि जेड़ा अपने कोल दिन सी मतलब 10 जनवरी नूं जेड़ा अपने कोल दिन मैंशन किया होया सी वेडनसडे मैंशन किया होया सी तां नैक्सट डे जेड़ा होएगा वह इहदे विच इक ऐड कर देंगे तो एक ऐड करके अपने कोल दिन किहड़ा आएगा इत्थे थर्सडे वेडनसडे तो नैक्सट डे किहड़ा आएगा थर्सडे तो यह करन दा देणा दा तरीका है तो ऑप्शन नंबर बी इहदा करैक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है जी आई होप सो तुहानूं सारिआं नूं कैलेंडर वाला कंसैप्ट क्लीयर हो गया होना है तो कैलेंडर की जिहड़ी शीट है वह प्रैक्टिस शीट असीं तुहानूं अवेलेबल करवा देंगे साडे जिहड़े टैलीग्राम चैनल के उपर तुसीं जाके प्रैक्टिस शीट लै सकते हो कैलेंडर बेस से ठीक है जी अगर चैनल नूं तुसीं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर दो ये जड़े लैक्चर्स है रीजनिंग वाले जीके वाले साढ़े चैनल के उपर जड़े पाए गए पंजाब दियां अपकमिंग वैकेंसीज वास्ते तुहाडे लई बहुत बेनीफिशियल होणगे तां चैनल नूं सबसक्राइब कर लो तो बैल आइकन नूं ऑन कर दो ताकि आने वाला जड़े लैक्चर्स है तुहानूं पता चल जाण जदों भी अपलोड होणगे थैंक यू वेरी मच